हाँ जी शहजाद, जो कल घटना हुई है वो उसमें पूरी सच्चाई क्या है? जी उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियां की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर टीआई साहब मौजूद नहीं थे, सिटी कोतवाली में करीब 1 घंटे वो नहीं आए। तो हमारे पास फोन आया और फिर हम भी वहां पर पहुंच गए जहां पे सारे लोग खड़े थे। वहां पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचित थे क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो दोनों में झड़प हुई, इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को चितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। उसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे, कोतवाली से पुलिस प्रशासन, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए हम लोग, किसी कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं हाँ, आप? हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और हमारी एक खानकाह है, उस खानकाह में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब, पहले यहाँ एसपी भी रहे तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी इसकी निष्पक्ष जांच करें और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7 स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।